गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी रचिता यू आर वाचिंग दैट लाइम गर्ल रचिता। सो गाइस फटाफट से ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं, मैं व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ और बड़ा अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। तो सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कहाँ जाती हूँ, आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ। उससे पहले ना सोचा कि अपना आउटफिट डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। यहीं पे आगे आगे रख लिए थे कपड़े निकाल के, मुझे क्या पहनना है मैं आपको दिखा देती हूँ। आई डोंट नो यहाँ से आपको पता लगेगी नहीं, काफी अच्छी शिमरी सी ड्रेस है ये, और ये कुछ इस टाइप की ड्रेस है गाइस जो मुझे ना एक्चुअली अच्छी लग रही है। सो मैंने सोचा कि इसको पहन लेती हूँ और साथ में ना बॉटम में मैं ले लेती हूँ ये। सो आप मुझे बताओ ये कैसा लगेगा। ये ना ऐसा है लाइक यू नो स्ट्रेट पैंट होती है ना उस टाइप का है ये, स्ट्रेट पैंट जैसा, और नीचे थोड़ा सा ना ऐसे वर्क हुआ है तो मुझे लगा कि इसके साथ थोड़ा अच्छा लगेगा, ये गोल्डन गोल्डन मैच करेगा और कॉम्बिनेशन भी यू नो अच्छा खासा चला जाएगा। सो आई थॉट टू वेयर दिस टुडे। और टाइम, सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हुआ है, क्योंकि जो मेरा स्किन केयर होता है ना वो सच में ना टाइम स्पेसिफिक होता है। ये हो रहे हैं 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के। सो, इसका मतलब है कि जब रेडी होंगे तो बहुत सारे अच्छे से ना स्किन केयर करना पड़ेगा और सनस्क्रीन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बाहर जाते हो ऐसे पीक टाइम पे ना जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो सनस्क्रीन तो बहुत ज्यादा मस्ट होती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ना ऐसी सनस्क्रीन बहुत पसंद होती है जो ऑल स्किन टाइप्स होती हैं और बिल्कुल भी ना उनमें एकदम चिपचिपाहट नहीं होती, नॉन ग्रीजी नॉन ऑयली होती है। और बस अगर ऐसे मौसम में मुझे मिल जाए टिंटेड सनस्क्रीन तो बस मैं तो सोचती हूँ कि बस वही सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके साथ ना आपको मेकअप नहीं करना पड़ता, बस टिंटेड सनस्क्रीन लगाओ, हल्का सा ऐसा यू नो ब्लश लगाओ, लिपस्टिक लगाओ एंड यू आर सच ही गुड टू गो। बेसिकली सीटीएम तो हमें करना ही होता है, इवन मैंने ना लिप बाम भी नहीं लगाया, वो भी मुझे लगाना है अभी। अलावा भी ना गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देना अपनी स्किन को, तो वो मैं देने वाली हूँ। और कौन कौन सी आपकी जगह होती है जहां पे आप प्रोटेक्शन देते हो, जो आपका फेस ये तो रिवील होता ही है, नेक होते हैं, हाथ होते हैं, या वो भी आपका एरिया बॉडी का एक्सपोज हो रहा है सन में, उसको तो आपको सन प्रोटेक्शन देना ही देना रहता है। सो क्विकली मैं थोड़ा ड्रेसअप हो जाती हूँ, उसके बाद शेयर करती हूँ आपके साथ। ड्रेस तो मैंने चेंज कर ली है, मतलब टॉप पहन लिया है अभी मैंने और बॉटम मैं पहनूंगी जब मैं निकलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ गाइस CTM अपना, जो कि हम रेगुलरली करते ही करते हैं। मॉइस्चराइज कर लेती हूँ मैं फटाफट से, देख लो गाइस अच्छे से ना स्किन जो है मॉइस्चराइज हो गई है, देखो ग्लो भी आने लग गया है पूरा। सिर्फ लगाऊंगी सनस्क्रीन एंड विच इज माई बेस्ट सनस्क्रीन आजकल, क्योंकि जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है ना सच में मतलब मैं इसकी इतनी बड़ी फैन हो गई ना, मुझे लगता है मेरा कितना ज्यादा टाइम बच रहा है, मेरी स्किन भी बच रही है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी आती है स्किन केयर में तो आपकी स्किन केयर भी हो जाती है। और आपका अगर टिंटेड, यस करेक्ट गाइज, अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन लगाते हो ना तो आपका स्किन केयर भी हो जाता है, मेकअप भी हो जाता है और आपकी स्किन को ना कोई डैमेज भी नहीं होता, प्लस सन के डैमेज से भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। गाइज ये है मेरे पास डर्मा टच की सनस्क्रीन जो कि टिंटेड सनस्क्रीन, और सच मानो आजकल मैं इसे ही यूज कर रही हूँ, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना कि मैं इसकी सबसे बड़ी फैन हो गई हूँ। ये है डर्मा टच की अनडैमेज अल्ट्रा मैट SPF 50 PA++++ टिंटेड सनस्क्रीन जेल है, जो सच में ना बड़ी अच्छी है और स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर आपको UVA UVB प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्लस ये आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसमें किसी भी टाइप की ना कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। और जब हमें पता होता है ना कि किसी भी टाइप की कोई फ्रेग्रेंस नहीं है तो वो हर एक स्किन टाइप पे सूट करती ही करती है। कलर देख रहे हो उसका बिल्कुल ऐसा है ना जैसे स्किन कलर होता है ना हमारा, 100% स्किन केयर ही है, कोई मेकअप नहीं है इसमें। अब ये देखो ये ना उतना ज्यादा फ्लोई भी नहीं है कि मतलब बह जाएगा लगेगा नहीं, इसको आप ना आराम से लगा सकते हो, ऐसा सनस्क्रीन ही आपको लगाना है, बिल्कुल ना स्किन से मैच हो रहा। ऐसा नहीं है कि सबकी स्किन मेरे जैसी हो या फिर इसमें कोई भी ऐसा आपको शेड मिल जाता है, कोई शेड नहीं मिलता है, एक ही यूनिवर्सल शेड है इसके अंदर, आपको बड़ा अच्छा ना एकदम ऐसा ना मेकअप वाला लुक देती है, आपको मेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट हाँ ये मैं आपको कहूंगी कि आप बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सनस्क्रीन तो लगानी है, बट सनस्क्रीन के साथ क्या होता है ना आपको 2 से 3 घंटे बाद से रीअप्लाई तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सनस्क्रीन का जो असर होता है 2 से 3 घंटे तक रहता है। और अगर अब जब आप बाहर जा रहे हो तो 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करो। मैट है मेरी स्किन के ऊपर, कोई भी किसी भी टाइप का ना कुछ ऐसा नहीं है, व्हाइट कास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे रब नहीं करना पड़ा इसको अपनी स्किन में अब्सॉर्ब कराने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है सनस्क्रीन को आपको ज्यादा ना रब नहीं करना होता है, ऐसा मसाज नहीं करनी सनस्क्रीन से, आपको लगाना है हल्का हल्का से ऐसे टैप करो ताकि ना वो आपकी स्किन में ना एक ऐसा बैरियर बना देती है जिससे कि जो भी फिजिकल इरिटेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन में आ नहीं पाते हैं, यूवी रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो हमारी स्किन क्या होती है ना
प्रोटेक्ट रहती है हर तरीके से। तो अभी तो मैंने लगाया अपने फेस पे, इसी तरीके से मैं लगाने वाली हूँ अपने हैंड्स पे, अपने लेग्स पे, जो जो भी मेरे फीट, जो जो भी एरिया एक्सपोज होने वाला है ना सन में, सब पे लगाने वाली हूँ अच्छे से। और उसके बाद आप देखना कि मेकअप ऑलमोस्ट मैं शायद नहीं करने वाली हूँ, डार्क ब्राइट सी नाइस पिंक से कलर के लिपस्टिक मैंने लगा लेनी है, दैट्स ऑल। वासना गाइस, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, सनस्क्रीन जब हम बाहर जा रहे हैं तभी लगानी है या घर के अंदर भी लगानी है, कब कब लगानी है, दिन में कितनी बार लगानी है, कैसे लगानी है, बेयर स्किन पे लगा सकते हैं या नहीं, या फिर मेकअप में लगा सकते हैं नहीं। देखो, सनस्क्रीन आपको घर के अंदर या घर के बाहर, आपको डे टाइम है तो आपको लगानी ही लगानी है, नो मैटर व्हाट आप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और रात की बात करें तो रात में अगर आप सनस्क्रीन अवॉइड कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात में जो यूवी रेज होती है वो नहीं होती है। डे के टाइम पे ना क्या होता है कि सूरज निकले या ना निकले, रेज रहती ही रहती है। बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी भी होती है जिसको आप बेयर स्किन नहीं लगा सकते हैं। ये जो सनस्क्रीन है ना गाइस, इसको आप बेयर स्किन पे भी लगा सकते हो, इतनी ज्यादा सेफ है आपकी स्किन पे और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही बनाई गई है। तो आप सोचो स्किन के लिए कितनी ज्यादा ये सेफ है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, इसको यूनिसेक्स है, आप मेन वुमेन कोई भी ना इसको लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो टिंट है ना यूनिवर्सल टिंट है, सब की ना स्किन शेड पे ये चलता है, जैसे मेरी है या फिर मेरे से जो लाइट होंगे डार्क होंगे सब के ऊपर बड़ा अच्छा सूट करेगा। आपने देखा ना, मतलब ऐसा लगा जैसे कि ना मेरे ही स्पेसिफिक स्किन के लिए बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है, सबको अगर आप ऑर्डर करोगे ना आपको भी यही मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपकी स्किन के ऊपर भी ना ये 100% सूट करेगा एंड मैच करेगा आपकी स्किन से। और आप मेकअप भी आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं आपका मेकअप यू नो पैची हो जाएगा या फिर वो ऐसे फ्लेकी सा हो जाता है, बट इसके साथ ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए ये मेरी पर्सनल फेवरेट हो गई, क्योंकि जब बाहर इतनी ज्यादा धूप होती है ना, नो मैटर व्हाट, सर्दी है या गर्मी है, धूप तो बर्दाश्त नहीं होती। और सच में मानो, अगर आपको धूप बर्दाश्त करनी भी है सर्दियों में, टैन तो हमें नहीं चाहिए, तो सनस्क्रीन लगाना तो उसमें भी मस्ट है। और बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो, वेदर कोई भी हो, आपको ना ऐसा लगता है आप बहुत गर्मी, यार मेकअप नहीं कर सकते, हैवी फील हो रहा है, सर्दी अगर आ जाती है तो यार इतनी सर्दी है कौन ही मेकअप करेगा, छोड़ो कौन ही देख रहा है, ऐसे ही चले जाते हैं, उस केस में ना सर्दी गर्मी दोनों ही वेदर में ये जो सनस्क्रीन है ना ये आपके बड़े काम आती है। क्योंकि अगर आप 16+ हो ना, आराम से आप इसे लगा सकते हो, जो सन से डैमेज होती है ना स्किन उसको भी ना ये प्रोटेक्ट करती है, काफी ज्यादा ना पिगमेंटेशन हो जाता है अगर हम धूप में चले जाते हैं इसी टाइप से बाहर, जैसे ना पैचे पैचे चत्ते चत्ते जिसे बोलते हैं, तो वो सब पड़ जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है हमारी, तो उसको भी ना ये एकदम परफेक्ट कर देती है, आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं। मन में हमेशा आता ही होगा कि सनस्क्रीन में ऐसा क्या होता है जो हमें यूवीए यूवीबी मतलब बेसिकली आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो उसमें क्या है ना, इसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सो वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को सन से होने वाले डैमेज से, यूवी रेज से। ये क्या करता है, हमारी स्किन में एक ऐसा प्रोटेक्टेंट बना देता है, एक ऐसी प्रोटेक्टेड शील्ड बना देता है, एक बैरियर बना देता है, जिससे कि जो सन रेज होती है हमारी स्किन में ना पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सो गाइस, जिंक ऑक्साइड इज अ मिनरल बेस्ड कंपाउंड दैट प्रोवाइड्स अगेंस्ट बोथ यूवीए एंड यूवीबी रेज, इट हेल्प्स टू रिड्यूस सन कॉज रिंकल्स एंड गिव स्किन बैरियर प्रोटेक्शन। इफ आई टॉक अबाउट टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इट इज इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग यूवी लाइट एंड इनेबल्स अ ट्रांसपेरेंट बैरियर That protects the skin from harmful sun rays. तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, ये है डर्मा टच की, तो इसका ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। हल्का सा टचअप करके मैं जाने वाली हूँ बाहर और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में गाइस। तो रेडी वेडी होके मैं आ गई हूँ बाहर एंड देखो कितनी ज्यादा गर्मी है, धूप है, थैंक गॉड मैंने ना सनस्क्रीन लगाया है। और देखो मेरी चटाक सी लिपस्टिक कितना अच्छा ग्लो लेकर आ रही है मेरे लिप्स के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर सब बहुत ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव लग रहा है। अरे मैंने आपको ये बताया नहीं ना कि मैं कहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ, तो आप ये देख सकते हो जोटे, ईशा अंबानी का जो स्टोर है ना जोटे, जो कि रिसेंटली मतलब हाँ रिसेंटली कह सकते हैं, मैंने तो विजिट नहीं किया, तो मेरे लिए तो रिसेंटली अभी जो लॉन्च हुआ है ना, सो मुझे लगा उसका कलेक्शन देखना तो बनता है यार, बड़ा ज़्यादा हाइप में है। अब ये भी मन में आता है कि यार इतना हाइप में रेट्स क्या होंगे, प्राइसिंग सही रहेगी या नहीं, लोग खरीद सकते हैं नहीं, सो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ना बता देती हूँ, एक चक्कर मार ही आती हूँ मैं वहाँ पे। पर जब मैंने चेक किया ना क्वालिटी, फैब्रिक, मटेरियल, ओ माय गॉड, सच में बड़ा अच्छा था और बहुत ही इनएक्सपेंसिव, कुछ ऐसा था ही नहीं कि मतलब महंगा लगे मुझे, तो मुझे तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ना मैंने ट्राई की, देखो हैंडबैग मेरी आउटफिट से भी मैच हो रहे हैं, बड़े ज़्यादा अफोर्डेबल थे, आई थिंक शायद 699 कुछ ऐसे, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सभी कुछ ना बड़ा ज्यादा अफोर्डेबल। कलर कॉन्ट्रास्ट देखो इतना ज्यादा, जो कलर्स आजकल चल रहे हैं ना, ये ग्रीन तो मुझे बहुत ही पसंद था। सब कुछ आपको मिल जाएगा, बड़ा अट्रैक्टिव, फोटोजेनिक और एस्थेटिक स्टोर है ये, आप फोटो वीडियो आराम से ले सकते हो, कोई भी कुछ मना नहीं कर रहा था, मैंने तो खुल के वीडियो बनाई है।
ये चप्पल ना मुझे पसंद आई थी, इसमें थोड़ी सी हील है ना और वेजी है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर साइज नहीं मिला मुझे इसमें ना। मुझे सब कुछ अच्छा लगा पर ये जो इस टाइप की जो टॉप्स है ना वो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे, मतलब वो नॉर्मल हमें मिल जाते हैं। बाकी अगर आप कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी जैकेट्स हैं और मेन कलेक्शन भी ना बड़ा ज़्यादा अमेजिंग है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना स्टोर की वो है इनका ट्रायल रूम जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आपको साइज चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपका ही हो वो आपको आके साइज दूसरा देगा, इनका स्टाफ ही आके ना आपको नेक्स्ट साइज या आपको जो भी चाहिए वो आपको दे देता है। कितना प्यारा है। तो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे मेन कलेक्शन में आपको दिखाने के लिए कि मेन कलेक्शन कैसा है, क्या कलर कॉन्ट्रास्ट है, क्या वाइब है यहाँ की। तो नो डाउट बिलिंग काउंटर देखो कितना ज्यादा प्यारा है। ये फुटवेयर कलेक्शन भी ना काफी ज्यादा अच्छा था और मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऑनलाइन भी मिल सकता है नो डाउट, बट हाँ अगर आप ऑफलाइन भी जा रहे हो तो कुछ ना रेट्स में ज्यादा फर्क नहीं है। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन बाई, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है आप बाई नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हो। सो ये स्टोर ना मॉल में है सो आप चाहो तो उसे विजिट कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा शीशे हैं तो आप देखो ऊपर भी शीशा है, तो मैंने सोचा चलो आपको यहीं से ना मैं बाय कर देती हूँ कि अब मैं स्टोर से एग्जिट ले रही हूँ। एक ही मैंने स्लीपर खरीदा है, स्लीपर क्या फुटवेयर खरीदा है, सो वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। और बस यहाँ से मैंने एग्जिट ली। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ हाइप जितनी बनाई थी उस मतलब ठीक ही है, उतना ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा, बट आप देखो मेरे चेहरे का ग्लो अभी तक वैसा का वैसा ही है विदाउट एनी मेकअप और लिपस्टिक भी इंटैक्ट है। बट हाँ सनस्क्रीन तो बहुत ही अच्छी है गाइस, चेक ना जरूर जरूर करना।